का मात्रा बस्ती, और यही ट्रीटमेंट थोड़ी कम अधिक प्रमाण में चलती रही। 3-4 महीने के बाद में वो स्वभाव के साथ बदल कर तंदुरुस्त हुई और डिस्टिंक्शन से इंजीनियर भी बन गई। इन शॉर्ट, अत्यधिक रक्तस्राव वाली रुग्णा, अत्यधिक रक्तस्राव वाली तरुणी और उसके आधुनिक चिकित्सा से त्रस्त तरुणी आयुर्वेद के पास आती है। आयुर्वेद और आयुर्वेद की चिकित्सा से स्वभाव के साथ बदल के तंदुरुस्त होती है, और ये केवल और केवल आयुर्वेद के कारण संभव हुआ, यह हंसते हुए बाकी के लोगों को कहती है। मुझे लगता है इसी में हमारे वैद्यों का अभिमान है, गर्व है। काफी गर्व उस दिन मुझे महसूस हुआ। यही चिकित्सा मात्रा बस्ती और यही पित्तग्न रक्त स्तंभक चिकित्सा यदि विवाहित महिला में यदि फाइब्रॉइड नहीं है या कोई यूटेराइन लीजन नहीं है, तो ये चिकित्सा देने से करीबन 100 से ज्यादा महिलाओं में जिनको डॉक्टर ने अंत में हिस्टेक्टॉमी की सलाह दी थी, उनका हिस्टेक्टॉमी का सर्जरी, हिस्टेक्टॉमी का ऑपरेशन टला हुआ मैंने 100 से ज्यादा महिलाओं में देखा है। यानी DUB यदि है, फाइब्रॉइड वहां पर बड़ा फाइब्रॉइड यदि नहीं है, तो ये ट्रीटमेंट से उनको 100% यानी हमका रिजल्ट मिलता है। उसके बाद में आता है ये डिस्मेनोरिया या काष्ठता। आजकल काफी कॉलेज में जाने वाली युवतियों में, लड़कियों में पीरियड के पहले दिन या पीरियड के पूर्व दिन तीव्र उदरशूल उत्पन्न होना, जिसे हम एब्डोमेन पेन कहते हैं, जिसे डिस्मेनोरिया कहते हैं, ये लक्षण उत्पन्न होने के लक्षण, ये लक्षण वाली पेशेंट कई प्रकार में, कई संख्या में दिखाई देती है। और हर बार ये होने के कारण एक प्रकार का डर, एक प्रकार का फोबिया उस लड़की के मन में मेंसेस के बारे में बन जाता है। जैसे ही पीरियड नजदीक आने लगता है वैसे वो डर जाती है। तो ऐसे पेशेंट में पीरियड के पूर्व दिन में या पीरियड के पहले दिन में सहचर तेल का या नारायण तेल का या सादे तिल्ली का तेल का भी यदि तुम मात्रा बस्ती देते हो, तो एब्डोमेन पेन तुरंत बंद होता ही होता है, लेकिन रक्तस्राव भी इमीडिएट नियंत्रित रहने में मदद होती है। साथ में सारे ड्यूफेमिया यू केयर जैसे कोई गायनेक्टॉनिक तुम साथ में देते हो, वेल एंड गुड। मैंने ऐसे पेशेंट देखे कि 2-3 महीने तक हर साइकिल में यदि बस्ती लेते हैं तो आगे चल के ये प्रॉब्लम कब खत्म हो गया, कब बंद हो गया, ये उस लड़की के भी ध्यान में नहीं आता। ये प्रॉब्लम ये बस्ती से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एक्यूट एब्डोमेन पेन में जो खड़ा हिंग होता है उसको यदि हम देसी घी में फ्राई कर लेते हैं और थोड़ी सी चिमटी भर वो चूपुर यदि कोशनर जेल के साथ में हम लेते हैं, तो किसी भी एंटीस्पैस्मोडिक इंजेक्शन से भी कम समय में, विद इन 4-5 मिनट्स में उसका एब्डोमेन पेन बंद होते हुए मैंने देखा है। क्योंकि हिंग ये उष्ण वीर्य होता है और उष्णता के कारण वो वातानुलोमक वात शामक होता है और उसके कारण तुरंत उसका एब्डोमेन पेन बंद हो जाता है। आजकल ये एक काफी बर्निंग इश्यू है, PCOD जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या PCOS जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। महिलाओं में तो ये प्रॉब्लम आजकल कॉमन है मैरिड महिलाओं में, लेकिन बच्चों में भी, कॉलेज लाइफ के बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आजकल काफी हद में, काफी संख्या में दिखाई देता है। वात स्थान में रहने वाले गर्भाशय के श्रीविरित ग्रंथि पर एक बुलबुले जैसे एक सिस्ट उत्पन्न होता है। ये एक वात प्रकोप का, वात दुष्टि का लक्षण होता है। इसलिए ऐसे केसेस में यदि हम वात शामक और लेखन चिकित्सा देते हैं तो उनमें ये सिस्ट रिग्रेस होते हुए दिखाई देते हैं। कई कई पेशेंट में कुकुट नखी गुगुल जो ग्रहण भी करता है और लेखन भी करता है, कुकुट नखी गुगुल यदि हम देते हैं, या कप प्रकृति की या वात प्रकृति की महिला है या लड़की है उसको यदि हम त्रिफला गुगुल या कांचनार गुगुल या मेधोर गुगुल देते हैं, कुबेराक्ष वटी देते हैं, चंद्रप्रभा वटी देते हैं, या कोई भी हाइपोग्लाइसेमिक डायबोनिडो हाइपोनिडो या गुड़मार घन देते हैं और साइरप ड्यूफेमिया या साइरप यूकेयर जैसे देते हैं और कॉम्बिनेशन में तुम चूर्ण देते हो, तो डेफिनेटली 2 या 3 महीने में उसका मेंसेस पीरियड रेगुलर होता है और आगे चल के वो सिस्ट पूरी तरह से रिग्रेस होते हुए कई पेशेंट में हमने देखे हैं। तो ये भी बर्निंग इशू आयुर्वेद से अच्छी तरह से ठीक होता है। अब विवाहित महिलाओं के जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। एक वैजापुर की एक 36 वर्षीय गुजराती परिवार से बिलोंग करने वाली एक महिला थी, वो योनि दाह के लिए चिकित्सा के लिए आई थी। हिस्ट्री में उसको 8 महीने पहले तीव्र योनि दाह शुरू हुआ और दिन ब दिन वो बढ़ते बढ़ते अब इतने तीव्रता पे था कि पीरियड के 4-5 दिन वो वेदनाओं से, उस बर्निंग से काफी बेहाल हो जाती थी।
लोकल एग्जामिनेशन में उसको श्वेत प्रदर नहीं था या लोकल इरोजन या कुछ भी अल्सरेशन वगैरह कोई भी स्थानिक लक्षण नहीं थे। सभी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन सोनोग्राफी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थे और ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ने के कारण अंत में डॉक्टर ने भी उसे नाइलाज के अनविलिंगली उसे हिस्टेक्टॉमी की सलाह दी थी। किसी ने आयुर्वेद के बारे में बताया, जब वो आई तो आयुर्वेद शरद ऋतु यानी सितंबर महीने में नैसर्गिक पित्त प्रकोप का पीरियड था, वो भी पित्त प्रकृति की थी, तो मैंने इसी महीने में यह तकलीफ बड़ी क्या पूछा तो उसने तुरंत हाँ कहा। गुजराती थी इसलिए मैंने दही कितना खाती हूँ पूछा तो उसने कहा कि कटोरी कटोरी दही मैं सुबह दोपहर शाम खाती हूँ। चाय के बारे में पूछा तो 7-8 कप चाय डेली पीती थी। हस्बैंड व्यापारी थे, लेट लाइट तक खाना होता था, तो ज्यादातर पित्त प्रकृति महिला में यदि लक्षण है तो उनका स्वभाव ये 100% गुस्से वाला और ज्यादा शीघ्रकोपी होता है। तुरंत मैंने कहा आप गुस्सा ज्यादा करती हो, तो साथ में आए हस्बैंड को इमीडिएट अच्छा लगा, वो खुश हो गया। मैंने कहा छोटी छोटी बात पे गुस्सा करती हो, खाना खाती नहीं खाती हो, वक्त पे खाना नहीं खाती हो तो सर पकड़ लेता है, खाने के बाद में अच्छा लगता है, रात को 12 के बाद में नींद खुलती है या काप मसल में पिंडी को द्वेष्टन या मसल क्रैम्प्स बोलते हैं वो होता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, रोना आता है, फिर तुमको ही पछतावा होता है। तो तुरंत उसने कहा सर ये सब मुझे होता है, ये सब पित्त प्रकृति के लक्षण थे। उसे सब पित्तघ्न दवा प्रवाशंकर माक्षिक गोदंती अनंत हरित केष्टि मधु ये मिश्रण आधा आधा चम्मच लेने के लिए दिया, चंद्रकला रस सारीवासव चंदनासव ये दिया और शतदहकृत इंटरनल लगाने के लिए उसे दे दिया और एक हफ्ते के बाद में आने के लिए कहा। हफ्ते के बाद में तो आई नहीं, लेकिन हफ्ते के बाद में उसका फोन आता है, सर दूसरे तीसरे दिन ही मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर और कितने दिन दवा लेनी पड़ेगी। हम ये आयुर्वेद वालों के साथ में हमेशा होता है, पेशेंट जब आता है तब कहता है मैं साल दो साल तक दवा लूंगी, जितना कहेंगे तब तक मैं दवा लूंगा, लेकिन जब ठीक होता है और तुरंत फिर उनको इमीडिएट आगे का पड़ता है कितनी दवा लेनी पड़ेगी, तो उसको मैंने कहा ठीक हो गए, दवा लेने की कोई जरूरत नहीं, जब होता है तब देखेंगे। यानी आयुर्वेद चिकित्सा से सिर्फ 6 दिन की दवा से उस महिला का हिस्टेरेक्टॉमी का शस्त्र कर्म आयुर्वेद से टल गया था। अत्यर्थों की यानी ज्यादा मेंसेस के ज्यादा ब्लीडिंग के पीरियड केसेस में यदि हम सोनोग्राफी करते हैं तो उनमें फाइब्रॉइड का डायग्नोसिस या फाइब्रॉइड का निदान होते हुए दिखाई देते हैं। फाइब्रॉइड एक प्रकार की गठन गर्भाशय में और गर्भाशय के त्वचा में बढ़ते जाती है और आगे चल के वो गठन गर्भाशय के साथ में निकालनी पड़ती है, जिसे हम हिस्टेरेक्टॉमी या गर्भाशय निरहरण करते हैं। इसी समस्या के कारण उम्र के 23 साल में हिस्टेरेक्टॉमी की हुई पेशेंट मैंने मेरे प्रैक्टिस में मेरे करियर में देखी है। कैंसर के डर से या कैंसर का डर दिखा के इस प्रकार की शस्त्रकर्म इस प्रकार की सर्जरी की जाती है, कराने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन आयुर्वेद से 70 mm तक का फाइब्रॉइड सिर्फ 3 महीने के क्षार कासिस तेल के उत्तर बस्ती से और चिकित्सा से पूरी तरह से खत्म होते हुए रिग्रेस होते हुए मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है। हर साइकिल 1 या 2 क्षार कासिस तेल का 7वें और 8वें दिन उत्तर बस्ती करना है। अभ्यंतर यदि कप प्रकृति के है तो त्रिफला गोकुल कांचनार गोकुल या मेधोहर गोकुल या कुकुट नख गोकुल दशमोला रिष्टर शिलाजत्व आदिवटी और लेखन कर्म करने वाले चूर्ण योग यदि तुम देते हैं और 3 महीने के बाद में यदि सोनोग्राफी करते हैं तो वो फाइब्रॉइड पूरी तरह से नष्ट होते हुए या काफी हद तक रिग्रेस होते हुए तुमको दिखाई देगा। एक प्रिकॉशन इनमें लेना जरूरी होता है, यदि पित्त प्रकृति की महिला है और उसका ऑलरेडी ब्लीडिंग ज्यादा है तो पहले ब्लीडिंग बंद कर लेना पड़ेगा और उसके बाद में तुमको एक क्षार कासी तेल के उत्तर बस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि यह उष्ण वीर्य का तेल होने के कारण ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। या कई पेशेंट में उत्तर बस्ती के बाद में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग शुरू होता है, उस समय यदि हम चंदन वाला तेल के मात्रा बस्ती देते हैं और कुछ स्तंभक चिकित्सा देते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये प्रिकॉशन यदि हम लेते हैं तो सभी प्रकार के फाइब्रॉइड जाते हुए मैंने कई पेशेंट में देखे हैं और कई वैद्यों ने ये अनुभव अपने प्रैक्टिस में किया है। आजकल शारीरिक भागदौड़ मानसिक टेंशन के कारण भी महिलाओं को शरीर पर से सफेद पानी जाना जिसको श्वेत प्रदर कहते हैं या लिकोरिया कहते हैं, ऐसे भी पेशेंट काफी संख्या में आजकल प्रैक्टिस में दिखाई देने लगे हैं। स्थानिक योनिगत अस्वच्छता ये भी उसका कारण होता है, तौल्य यानी मेदो विकृति ये भी उसका कारण होता है और शारीरिक थकान के कारण भी श्वेत प्रदर होता है, श्वेत प्रदर के कारण भी शारीरिक थकावट आती है, ऐसे एक दूसरे से रिलेटेड कारण होता है। ऐसे कई पेशेंट में यदि काफी ये ल्यूकॉल है या ल्यूकोरिन है या लिकोमैप है या चंद्र प्रभा है या श्वेत प्रदरवटी है
या अभ्यंतर तुम पुष्यानुग है, अशोक है, त्रिपला है, या विडंग है, दारू हल्दी है, मंजिष्ठा है, या वंग भस्म है, ये कॉम्बिनेशन यदि देते हैं, या त्रिफला विडंग धाइटी मंजिष्ठा इस कषाय से यदि योनि धावन करते हैं, वो लक्षण पे यदि कफज है तो कफज कषाय बनाओ, पित्तज बनाओ, वातज बनाओ, उसके हिसाब से यदि तुम कषाय बना के धावन करते हो, या स्थानिक श्वेत प्रदर के लिए तुम यदि श्वेतल हो या वी जेल हो या फेमीप्लेक जेल लगाते हो, यूरोजन है तो रन शोधन या शतधोत वृत लगाते हो, या वहां पर चंदन बला तेल का पिचू धारण करते हो, या धूपन यदि तुम करते हो, योनि धूपन करते हो, या उस स्थान को बल आने के लिए तिक्तक्षित बस्ती यदि देते हो, तो उससे ये श्वेत प्रदर पूरी तरह से जाते हुए मैंने कई पेशेंट में देखा है। आजकल 30 वर्ष के आगे के महिला में खड़े रहने के बाद या दो पैर पे बैठने के बाद यूटेरस बाहर आते हुए दिखाई देता है, जिसे यूटेराइन प्रोलैप्स या योनि भ्रंश कहते हैं। ज्यादातर गर्भाशय को पकड़ कर रखने वाले जो भी स्नायु होते हैं उनके दुर्बलता के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स यूटेरस बाहर आता है, तो उस पकड़ कर रखने वाले स्नायु को यदि हम ताकत देते हैं या उसको एस्ट्रोजन एक्शन करने वाले कोई दवा करते हैं, तो वो उसको वापस ऊपर खींच लेते हैं और वो प्रोलैप्स होना बंद हो जाता है। इसके लिए मूषक सिद्ध तेल का पिचू धारण, मूषक सिद्ध तेल का पिचू धारण काफी अच्छी तरह से सेकंड स्टेज तक, सेकंड ग्रेड तक अच्छी तरह से उपयुक्त होते हैं, मैंने कई पेशेंट में देखा है। स्थानिक कषाय रस सिद्ध कषाय से यदि तुम योनि धावन करते हैं, अपन स्थान को बल देने के लिए सहचर तेल, नारायण तेल का मात्रा बस्ती या तिक्तक्षीर का बस्ती करते हैं, तो उससे पूरी तरह से प्रोलैप्स बंद होते हैं, मैंने देखा है। मैंने मेरे प्रैक्टिस में एक 68 ईयर्स की ओल्ड लेडी देखी थी कि जिसकी हिस्टेरेक्टॉमी हो चुकी थी और उसके बाद में वजाने स्लॉट यानी पूरा योनि भाग बाहर आते हुए देखा, मैंने देखा था, और उसको कैंसर के डर से वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। यही पिचू धारण के, मूषक सिद्ध तेल के पिचू धारण और कुछ बल और कुछ एंटी एंग्जाइटी ट्रीटमेंट, मेथ ट्रीटमेंट, शूरधारक ट्रीटमेंट से वो अब उसका वार्धक्य अवस्था का जीवन खुशी से और आनंद से जी रही है, यानी ये प्रॉब्लम उसका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वंदेत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। पूरे विश्व में लोक संख्या के बाबत नंबर 2 में रहने वाले और अभी भी बढ़ती हुई आबादी के कारण चिंता तो रहने वाले इस भारत देश में अभी भी इनफर्टाइल कपल की या निपुत्रकों की संख्या ये लक्षणीय ऐसी है। काफी महंगे उपचार, काफी महंगे ट्रीटमेंट करने के बाद में भी सक्सेसिव रेट काफी कम है। ऐसे दुखी दाम्पत्य को देखने के बाद ईश्वर के उसके विषम बर्ताव का काफी बड़ा दुख होता है। ऐसे दुखी दाम्पत्य के जीवन में वंश का दिया जलाने का काम आयुर्वेद से डेफिनेटली होता या हो सकता है। यदि मेल में, हस्बैंड में यदि शुक्राणु की संख्या कम है जिसे हम ऑलिगोस्पर्मिया कहते हैं, शुक्राणु की संख्या 0 है जिसे हम एजोस्पर्मिया कहते हैं, शुक्राणु की हलचल कम है जिसे हम एस्टियोनियोस्पर्मिया कहते हैं, या शुक्राणु पूरी तरह से डेड है, मृत है, जिसे हम टेराटोजोस्पर्मिया कहते हैं, या शुक्राणु वीर्य का गाढ़ापन है जिसे हम हाई विस्कोसिटी कहते हैं, ऐसे पूरे केसेस में आयुर्वेद चिकित्सा से दी बेस्ट हमकास रिजल्ट मिलते हुए मैंने कई पेशेंट में देखे हैं। यदि हस्बैंड नॉर्मल है तो पूरी चिकित्सा, पूरे ट्रीटमेंट ये उस महिला के करने पड़ते हैं, जो कि हम आगे चल के देखेंगे। एक काले करके पेशेंट है, ये एक दो एविडेंस मैं यहां पर दिखाता हूं। यदि कभी एक स्पेशल मेल इनफर्टिलिटी पे जब बोलेंगे तब काफी ढेर सारे एविडेंस मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। ये काले करके पेशेंट है, यहाँ पे लिखा है कि काउंट मोटाइल स्पर्म और का मोटा टोटल मोटेलिटी नील है, और 3 महीने उपरांत उसका काउंट 7.5 मिलियन हुआ था, और आगे चल के उसको काफी जल्दी थी IUI से वो कंसीव होके उसको एक लड़की पुत्री भी हुई थी। एक जलगांव से बिलोंग करने वाला एक पंडित करके पेशेंट है, ये नवंबर 2006 में आयुर्वेद के पास आया था, एजोस्पर्मिया उसे है, और उसने आते ही कहा था कि सर मैं बहुत पुअर हूँ, मैं जितना खर्चा करना था मैंने कर चुका हूँ, कर लिया है, और मैं ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता हूँ। तो एक महीने की दवा उसे कोपरगांव की चिकित्सालय ने दी थी, एक उत्तर बस्ती कोपरगांव से किया था, और बस्तान बस्ती घर पर लेने के लिए कहा था, और उसके बाद की चिकित्सा के लिए शिरडी के ओपीडी के लिए मैंने आने के लिए कहा था, जहाँ पे उसको फ्री में चिकित्सा दे सके, और 3 महीने वहां पर आने के बाद या भी मार्च 2000
8 का रिपोर्ट है, उसके बाद में ये बीच के गैप के बाद में आया तो उसका काउंट 15 मिलियंस हुआ था, और उसके बाद में 2 या 3 महीने आ गया, और उसके बाद में डायरेक्ट अगस्त में उसका फोन आता है कि सर मेरी मिसेज का पीरियड मिस हुआ और टेस्ट करने के बाद वो पॉजिटिव आ गया। यानी उस आजोस्पर्मिया के पेशेंट में आयुर्वेदिक चिकित्सा से नेचुरल तरीके से उसको पितृ एक पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब काफ़ी इनफर्टिलिटी के पेशेंट हम देखते हैं जिनमें पीरियड रेगुलर होता है, ओवुलेशन भी होते रहता है, हस्बैंड भी नॉर्मल स्पर्मिक होता है, और फिर भी यदि प्रेगनेंसी नहीं रहती तो उस महिला का HSG यानी ट्यूबल ब्लॉक है यानी ये देखना जरूरी होता है। श्रीबीज वाहिनी नलिका ये ओपन है यानी ये देखना जरूरी होता है। उसके लिए किसी भी सोनोलॉजी सेंटर में 7वें या 8वें दिन ये HSG जिसे हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी कहते हैं ये टेस्ट की जाती है। एक प्रकार का डाय अंदर गर्भाशय में इंजेक्ट किया जाता है और एक्सरे लिए जाते हैं, जो रेडियोपेक डाय जहाँ तक गया वहाँ तक ट्यूब ओपन है या नहीं या क्लोज है ये उससे पता चलता है। काफ़ी ट्यूबरकुलस हिस्ट्री जिनमें है इनमें ट्यूबल ब्लॉक ज़्यादातर नजर आते हैं। यदि एक ट्यूब बंद है तो 50% प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, और यदि दोनों ट्यूब बंद है तो ऐसी स्थिति में 100% प्रेगनेंसी के चांस बंद हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में ट्यूबोप्लास्टी या लैप्रोस्कोपिक ट्यूबो रिपेयरिंग भी उसमें नाकाम होते हुए कई पेशेंट में दिखाई देता है। यदि ऐसा है तो ऐसे पेशेंट में हम क्षार कास्टिस तेल का उत्तर बस्ती हर साइकिल में 2 या 3 महीने करते हैं तो ट्यूब काफ़ी हद तक ओपन होते हैं मैंने देखे हैं। यदि कॉर्नियल ट्यूबल ब्लॉक है तो वो तो ओपन होना ही होना है। सिर्फ फिमरियल ट्यूबल ब्लॉक है तो उसमें उसका परसेंटेज सक्सेसिव रेट एज कंपेयर टू कॉर्नियल ब्लॉक थोड़ा सा कम है। एक सेंट्रिन काम करने वाला पति और खेती काम करने वाली उसकी पत्नी, उम्र 24 साल और शादी को 3.5 साल हुए थे। कैपेसिटी न होने के बावजूद भी पिछले 1 सालों से वो आधुनिक चिकित्सा कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर अपयश आने के बाद वो जब आयुर्वेद के पास आए तो आते ही उन्होंने हाथ जोड़ के विनती की कि सर हमारी खर्चा करने की बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है, तो कृपा करके हमें मदद कीजिए, हमें कुछ ना कुछ हेल्प कीजिए। वो एक तांडे पे एक छोटे से बस्ती पे वो गरीब दाम्पत्य रहते थे, और इतने साल होने के बावजूद भी संतान न होने के कारण बिरादरी वाले आप दूसरी शादी की चर्चा करने लगे हैं और इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, मुझ में ही प्रॉब्लम है, ऐसे कहते हुए वो स्त्री रोने लगी। उसकी स्थूलता उसके पति से कई गुना ज़्यादा थी। उसके सभी रिपोर्ट जो देखे हस्बैंड नॉर्मल स्पर्मिक थे, और उसके HSG रिपोर्ट में उसे बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक था, और USG रिपोर्ट में उसको PC उड़ी थी, इसके कारण इरेगुलर मेंसेस था और उसके कारण उसकी स्थूलता बढ़ी हुई थी। HSG रिपोर्ट में उसके दोनों भी बायलैटरल कॉर्नियल ट्यूबल ब्लॉक थे, तो मैंने उनको कहा कि आयुर्वेद से तुम्हारी जोड़ी सलामत रखने का काम डेफिनेटली हो जाएगा, हमका हो जाएगा, सिर्फ हम उत्तर बस्ती करेंगे, कॉर्नियल ब्लॉक ट्यूबल क्षार कास्टिस तेल के उत्तर बस्ती से ओपन होते हैं। ऐसे कुछ सक्सेस स्टोरीज कुछ फोटोग्राफ्स मैंने उनको दिखाए, और हम उत्तर बस्ती पीरियड के 7वें या 8वें दिन करेंगे, ऐसे कहते हुए उसको पीरियड रेगुलर होने के लिए PCOD के लिए सहचर तेल का 30 ml सहचर तेल का क्वेश्चन बस्ती घर पर लेने के लिए मैंने कहा, और अभ्यंत उसको शिलाजत्वादिओटी, चंद्रप्रभावटी, त्रिफला गोकुल और कुबेराक्षोटी, और साथ में अशोक एस्टिमधु रिंगनी गुड़मार प्रवाह शंकर विडंग आनंद मूल्य मिश्रण आधा आधा चम्मच लेने के लिए कहा, दशमल रिष्ट 2-2 चम्मच लेने के लिए कहा, और कुछ पथ्य बताकर पीरियड के 7वें दिन आने के लिए कहा। बराबर 7वें दिन वो दाम्पत्य रुग्णालय में आए, और आते ही उसके हस्बैंड ने नंबर आने के बाद हस्बैंड में हाथ जोड़ के कहा कि सर फीस के बारे में आप मुझे बताइए क्योंकि मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो मैंने कहा यदि तुम्हारी जोड़ी आयुर्वेद से सलामत रहती है तो आनंद वो जो आनंद रहेगा वो किसी भी फीस से मेरे लिए सबसे ज़्यादा रहेगा, इसलिए जो भी फीस तुम दोगे वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, तो हम पहले उत्तर बस्ती करवा लेते हैं। इस प्रकार से 7वें दिन उसका उत्तर बस्ती किया। गरीब था इसलिए हर साइकिल में एक ही बार उत्तर बस्ती मैंने किया। इस प्रकार 3 महीने उसके उत्तर बस्ती होते रहे, और दरम्यान ये शमन चिकित्सा, मात्रा बस्ती और पथ्यपत्र से उसका पीरियड काफ़ी नॉर्मल हो गया और वेट भी 3.5 किलो से कम हो गया। फिर 3 महीने तो हुए थे, गरीब थे इसलिए खर्चा करने के लिए जो 1,500-2,000 रुपये HSG को लगते हैं, और उस लेडी को HSG जब करवाते तो तीव्र एब्डोमेन पेन, एक्यूट एब्डोमेन पेन होता है, काफ़ी अनबेरेबल पेन्स वो होते हैं, इसलिए मैंने उनको कुछ कहा नहीं। लेकिन उसके हस्बैंड ने कहा कि सर अगले महीने में
एक्सरे करना है क्या, क्योंकि कुछ पैसे मैंने इकट्ठा किए तो हम HSG करवा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, करवा लो। और उस महीने में सातवें दिन यानी चौथे महीने में सातवें दिन सोनोलॉजिस्ट के पास जाकर उसने HSG करवाई, और जब दोपहर को रिपोर्ट लेकर आए तो दोनों भी काफ़ी खुश थे। राइट ट्यूबल ब्लॉक ये उसका वैसे ही ब्लॉक था, लेकिन लेफ्ट ट्यूब उसकी पूरी तरह से ओपन हो चुकी थी, यानी गर्भ धारणा होने के 50% चांसेस उसमें आए थे। तो खुशी से मैंने कहा कि हम गर्भस्थापक चिकित्सा शुरू करते हैं। सिर्फ उस समय उसको सुपरलोमोटी स्टार्ट की और बाकी उपरोक्त चिकित्सा उसकी चलती रही। पांचवें महीने का पीरियड बराबर डे टू डे आ गया। उस महीने में सातवें दिन फलवृत्त का उत्तर बस्ती करके उसको दसवें दिन से फॉलिकल स्टडी करने के लिए मैंने कहा। उद्देश्य श्रीबीज बनता है नहीं देखना, और जिस साइड से ट्यूब ओपन है उस साइड से बनता है नहीं ये देखना। उस दाम्पत्य के सुदैव से और उस आयुर्वेद के सुदैव से बराबर लेफ्ट साइड के फॉलिकल की ग्रोथ होते गई, और बराबर 15वें दिन उसका फॉलिकल रप्चर हुआ। उस सोनोलॉजिस्ट ने हमारे यहाँ जब फॉलिकल रप्चर होता है तब पेशेंट को समझाने के लिए अंडा फुटलव ऐसा एक शब्द प्रयोग करता है, तो उसने कहा अंडा फुटलव, तो वो उसका भी गलत अर्थ उसने लिया और आने के बाद एक बार रोने का भी कार्यक्रम हो गया। तब उसको मैंने कहा कि फुटल यानी वो श्रीबीज बन गए, ये अच्छा लक्षण है, तो उसको फिजिकल रिलेशन रखने की एडवाइस दे दी। और क्या होता है देखेंगे, जब दवा खत्म होते है तब आने के लिए उनको कहा। जैसे पीरियड मिस हुआ वैसे वो दाम्पत्य हॉस्पिटल आ गए। उन्होंने कहा सर पीरियड नहीं आया। मैंने कहा एक हफ्ता वेट करते, एक हफ्ते के बाद में हम चेक करते हैं। फिर से दो तीन दिन के बाद में फिर से आ गया और उन्होंने कहा घर वाले कहते एक बार चेक करवा लो। तो मैंने उनकी पल्स देखी। आजकल प्रैक्टिस से नाड़ी विज्ञान तो मुझे नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिस से पल्स प्रेगनेंसी की जो पल्स होती है, गर्भिणी नाड़ी जो होती है, ये थोड़ी थोड़ी मुझे आती है, जिसे हम वाटर बलून नाड़ी कहते हैं, क्योंकि पानी जैसे बहते बहते एकदम छलांग मारता है वैसे ये नाड़ी चलते चलते एकदम बाउंस होती है। हमने पुराने पिक्चर में देखे हैं कि हीरोइन चक्कर आके गिरती है, डॉक्टर आते हैं वो पल्स देखते हैं और कहते हैं ये तो माँ बनने वाली है। ये काफ़ी फेमस डायलॉग उस समय हमने सोचा था सुना है, और उस समय काफ़ी इस डायलॉग की हंसी आती थी, लेकिन रियलिटी में अब उसका अनुभव हमने प्रैक्टिस में देखा। मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लगा इसलिए मैंने कहा कि एक बार UPT टेस्ट कर लो, और एक डेढ़ घंटे में जब वो टेस्ट का रिपोर्ट लेकर आए तो दोनों भी काफ़ी खुश थे। आते ही उन्होंने कहा कि सर टेस्ट तो पॉजिटिव आ गई, यानी उनको प्रेगनेंसी रही थी। इन शॉर्ट PCOD और बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक के कारण विवाह टूटने के कतार पर गए उस गरीब दाम्पत्य के जीवन में वंश का दिया जलाने का काम आयुर्वेद ने किया था। आयुर्वेद ने अमूल्य काम करके दिखाया था। यह सब उस ऊपर वाले की करामत होती है, करने वाला कराने वाला सब वो होता है। क्योंकि इस पेशेंट में यदि प्रेगनेंसी नहीं रहती तो डेफिनेटली बिरादरी वाले उसकी दूसरी शादी कर देते, और ये उसको मंजूर नहीं था, इसलिए उसको तुरंत प्रेगनेंसी रह गए। पूरी ANC आयुर्वेद से हो गई। हर महीने हर हफ्ते एक मात्रा बस्ती चलता रहा, ANC चलती रही, और नॉर्मल डिलीवर होके एक सावले वर्ण के पुत्र को उस महिला ने जन्म दिया। कुछ महीने उसे पीरियड नहीं आया, और लेकिन आठवें महीने में फिर से वो दाम्पत्य आए और मुझे काफ़ी जी मचलता है, उल्टी जैसे होता है, तो मैंने UPT करवाई, फिर से वो UPT टेस्ट पॉजिटिव आ गई। मैंने कहा ये बोनस का जमाना है, एक के साथ एक फ्री, तो ये उसमें हुआ। काफ़ी पेशेंट में मैंने देखा है कि फिमरियल ट्यूबल ब्लॉक भी आजकल काफ़ी मात्रा में काफ़ी संख्या में ओपन होते दिखाई दिए। कई विद्यार्थी मित्र उसमें तीन तीन या चार चार उत्तर बस्ती एक साइकिल में करते हैं, जिनके कारण सक्सेस रेट बढ़ा हुआ है। ये उस पेशेंट के ट्रीटमेंट के पहले और ट्रीटमेंट के बाद का, यदि आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड की ट्यूब ओपन हुई है। इस पेशेंट का ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट लैब का पॉजिटिव, और ये एक सोनोग्राफी का रिपोर्ट है जो लाइव सिंगल फिटल प्रेगनेंसी है। ये इस दाम्पत्य का फोटो है, ये एकदम गरीब अनपढ़ दाम्पत्य थे जिनको ये पुत्र हुआ है। यदि पति नॉर्मोस्पर्मिक है, HSG भी नॉर्मल है, पीरियड भी रेगुलर आता है, और फिर भी यदि प्रेगनेंसी नहीं रहती तो ओवुलेशन यानी श्रीबीज निर्मित होती है या नहीं ये देखना जरूरी होता है। इसके लिए किसी भी सोनोलॉजिस्ट सेंटर में पीरियड के 10वें दिन से फॉलिकुलर स्टडी या ओवुलेशन स्टडी की जाती है, और उसमें ग्रोथ कितनी है उस हिसाब से डॉक्टर लोग आजकल उसे प्रोपेसी या HSG HCG जैसे इंजेक्शन भी उसमें दिए जाते हैं,
जिसके कारण फॉलिकल आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ता है और रप्चर हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद से भी नेचुरल तरीके से फॉलिकल रप्चर हो सकता है, ये भी कई पेशेंट में मैंने देखा है। एक पुणे की आईटी इंजीनियर 30 ईयर्स उम्र की एक स्थूल लेकिन सदा हसतमुख रहने वाली, छोटी छोटी बात पर दिल खुलास हंसने वाली और प्रेगनेंसी का विषय निकलते ही गंभीर चेहरे से आंखों से हंसते हुए आंसू डालने वाली एक स्त्री आखिरी पर्याय के रूप में पति के साथ में आयुर्वेद के पास आती है। और टेंशन, ये शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन आजकल जाम टेंशन आने लगा है क्योंकि मेरा ये प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होता। और बेचारे पति संजय की मुझे काफी दया आने लगी, ऐसे उसने कहा। जब उसने उसके सब रिपोर्ट दिए तो उस रिपोर्ट में उसका स्थूलता का राज छिपा हुआ था और उसके मनमुराद हंसी में भी उसका स्थूलता का राज छिपा था। जितने भी रिपोर्ट थे सभी लैब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हार्मोनल ऐसे टोटली एबनॉर्मल था, LH, FSH, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल काफी एबनॉर्मल थी। और USGB के करीब 20-25 रिपोर्ट थे जिनमें PCOD और अनओवुलेटरी साइकिल ये सब थे, जिनके कारण उसका वेट बढ़ते बढ़ते 76 kg हुआ था। 4 साल होने के बावजूद भी घर वालों की इच्छा में पूरी नहीं कर सकती ये शल्य, वो आंखों में पानी लाते हुए, आंसू लाते हुए, हंसते हुए बता रही थी। और अब तो पीरियड भी रेगुलर नहीं आता है, हर बार उसके लिए मुझे विड्रॉल ब्लीडिंग ही लेना पड़ता है और ये हार्मोनल पिल्स ले तो कितने महीने तक ले, ये प्रश्न हंसते हुए वो चिंता युक्त चेहरे से पूछ रही थी। पित्त प्रकृति होने के बावजूद और IT इंजीनियर का लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी मनमुराद हंसी और टेंशन फ्री स्वभाव के कारण उसे आज अब जाके कहीं आम्ल पित्त की शिकायत शुरू हुई थी। आम्ल पित्त उसके कारण एपिगैस्ट्रिक पेन, बद्धकोष्ठता और सरदर्द और निद्रा आना, ये उसके मेन कंप्लेंट थे। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगी उसको समझा दिया। पिट्यूटरी स्टिमुलेशन के लिए वाचा तेल का नश्य घर पर ही किस तरह से करना ये उसको समझा दिया। और बद्धकोष्ठता यानी अपन वायु दृष्टि, ये अपन वायु आर्तव वहन के लिए और आम्ल पित्त के लिए कैसे हेतु होता है ये समझाते हुए उसको सस्नीय न्यूरोबस्ती सबसे पहले करवा दिया और घर पर मात्राबस्ती बोल दिया। और अभ्यंतर शिलाजत वादिवटी, त्रिफला गुगुल, चंद्र प्रभावटी, लघु सूचेकर, डायबोमिन जो कि एंटी ग्लाइसेमिक है, PCOD जो है एंटी PCOD के लिए है, सारप यू केयर और अल्पित्तकर, मुस्तानंद, पुनना, गरी, खरित के, एस्टी मधु, रिंगनी, गुडमार, ये मिश्रण आधा आधा चम्मच लेने के लिए दिया। और कुछ पथ्य, कुछ वर्कआउट, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज उसे बता दिया और तुरंत दवा चालू करने के लिए कहा। उद्देश्य जस्ट उसका पीरियड आ चुका था इसलिए मैंने ये दे दिया। काफी बार ऐसे होता है कि जिनको विड्रॉल ब्लीडिंग लेना पड़ता है और ऐसे पेशेंट यदि तुम्हारे पास आते हैं और दो दो तीन तीन महीने हो गए ब्लीडिंग नहीं, मेसेज नहीं आए, तो हमें उसको पीरियड लाने के लिए उष्ण वीर्य दवा देनी पड़ती, फिर रजप्रवर्तिनी वटी है या कुपिराक्ष वटी है या RCP से या मेंस्ट्रोजेक कैप्सूल है, ऐसे उष्ण वीर्य दवा देनी पड़ती है। और फिर भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते कई बार एक एक महीना पीरियड आने के लिए लगता है, तो 1 महीने का पीरियड आयुर्वेद के नाम पे लग जाता है। इसलिए मैं हार्मोनल पिल्स या विड्रॉल ब्लीडिंग पहले लेने के लिए बोलता हूँ और फिर सेकंड डे से अपनी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चालू होती है और उसके बाद में फिर जो भी पीरियड आएगा वो 1-2 हफ्ते लेट होके नेचुरल तरीके से आता है। तो इसे ट्रीटमेंट शुरू होगी, 1 महीने के उपरांत उसका उसकी मेडिसिन खत्म होते हुए फॉलोअप के लिए आ गई। आने के बाद उसने पहले वेट किया और हंसते हुए मुझे पूछा कि सर मैंने इतना परहेज रखा, सब दवा बराबर ली, सब एक्सरसाइज किया, फिर भी मेरा वेट 1 ग्राम से भी कम क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा जो भी लेडी हंसती है इस तरह से मनमुराद हंसने वाले किसी भी लेडी का वजन कम होते हुए मैंने मेरे प्रैक्टिस में नहीं देखा है, इसलिए वेट का आप छोड़ दो, सिर्फ दवा लेते रहो। तो उसने पूछा सर मैं कुछ दवा लेनी है पीरियड के लिए। मैंने कहा यही दवा चालू रखो, कब पीरियड आता है देखते हैं। और बराबर 2.5 महीने के बाद नेचुरल पीरियड उसे आता है। खुशी से फोन करके वो कहती है कि सर पहली बार विड्रॉल ब्लीडिंग न लेते हुए मुझे पीरियड आया है। फिर से उसको 7वें दिन उत्तर बस्ती के लिए बुलाया, 7वें दिन फलक रूप का उत्तर बस्ती किया और 10वें दिन से फॉलिकल स्टडी करने के लिए कहा। साथ में एक ओविजन कैप्सूल जो कि ओवुलेशन के लिए एक कंपनी बनाती है, कुपेराक्स वर्टिज शुरू की और 10वें दिन से फॉलिकल स्टडी करने के लिए कहा जो कि MSF था। हार्मोनल इंबैलेंस इतना था कि इस महीने में कुछ बदलाव या कुछ रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं था, फिर भी मैंने करने के लिए कहा जो कि 20वें दिन भी MSF रहा। उसने फिर से हंसते हुए कहा कि सर ओवुलेशन तो कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा अगले महीने में देखते हैं। अगले महीने में फिर से 7वें दिन उत्तर बस्ती हुआ और यही ट्रीटमेंट करते रहे। उस महीने में सोनोग्राफी नहीं की, लेकिन 4वें महीने